चलिए बच्चों देखिए, SU2 सिमेट्री बता दिया था, SU3 सिमेट्री बताना था। वो कपड़ा उठा दो क्षितिज, ये चलो मिल गया। SU2 बता चुके थे, SU3 सिमेट्री और पढ़िए। SU3 सिमेट्री, S फॉर स्पेशल, U फॉर यूनिटरी, स्पेशल U फॉर यूनिटरी, 3x3 यूनिटरी, 3x3 मैट्रिसेस के लिए है। देखिए पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ ऑब्जर्व हेड्रॉन हेड्रॉन्स इज मोर देन हंड्रेड्स, मोर देन हंड्रेड्स। द नंबर ऑफ ऑब्जर्व हेड्रॉन्स आर मोर देन हंड्रेड्स। All the observed hadrons, सभी observed hadrons are extended. हाँ भेज रहे हैं, क्षितिज चाय ले लो। एक्सटेंडेड, जितने भी ऑब्जर्व हेड्रॉन हैं वो एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैविंग द साइज हैविंग द साइज इन फर्मी स्केल, इनका साइज जो है फर्मी स्केल में है, फर्मी स्केल 10^-15, तो इस स्केल में है 1 Fermi 10^-15 meters। सभी हेड्रॉन्स को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरह। All hadrons could not be treated, could not be treated as एलिमेंट्री पार्टिकल्स,
उनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरह सबको ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो पैटर्न बनता है ये हैड्रॉन्स एक पैटर्न बनाते हैं और वो पैटर्न मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल से मैच खाता है। ठीक है, ऑल हैड्रॉन्स फॉर्मिंग द पैटर्न ऑल हैड्रॉन्स फॉर्मिंग द पैटर्न विच इज सिमिलर टू जो कि सिमिलर है सिमिलर टू द मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एटम जो कि सिमिलर है मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एटम की उसी तरीके की है। All hadrons forming the pattern which is similar to Mendeleev periodic table of atom, जो कि similar है Mendeleev periodic table of atoms। इसके लिए कंसीडर ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कंसीडर ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन विच in which x axis represent third component of isospin i3
एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हाइपरचार्ज, हाइपरचार्ज वाई बराबर हाइपरचार्ज लेते हैं। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पर आइसो स्पिन आई थ्री लेते हैं, वाई एक्सिस पर वाई लेते हैं जो हाइपर चार्ज होता है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन विच एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन आई थ्री एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हाइपर चार्ज। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हाइपर चार्ज। तो एक्स कंपोनेंट आई थ्री तो जानते हो, थर्ड कंपोनेंट एक बार बता दें, रंजन लगातार नहीं आ पा रहे तुम, नहीं आ नहीं पा रही है, हम कह रहे लगातार कोचिंग नहीं आ रही है, कह रहे देखिए एस यू थ्री सेमेट्री, एस का मतलब स्पेशल, यू का मतलब यूनिट्री, थ्री क्रॉस थ्री। अभी आपने पढ़ा था एस यू टू सेमेट्री, तो एस का मतलब था स्पेशल, U का मतलब था 2 क्रॉस 2, U का मतलब 2 क्रॉस 2, मैं यूनिट्री 2 क्रॉस 2, तो वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाती थी, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनती है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड हेड्रॉन्स इज मोर देन हंड्रेड्स, जो हेड्रॉन्स हैं वो 100 से ज़्यादा संख्या में होते हैं। ऑल ऑब्जर्व्ड हेड्रॉन्स आर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैविंग द साइज, ये एक तरीके से माने गए हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब वो वेरिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, और उनका साइज जो है फर्मी स्केल में जाता है, 1 फर्मी 10^-15 मीटर। ऑल हेड्रॉन्स कुड नॉट बी ट्रीटेड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सभी हेड्रॉन्स को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो किसकी तरह, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरह, ठीक है, कुड नॉट बी ट्रीटेड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। All hadrons forming the pattern, सभी hadrons एक pattern बनाते हैं, which is similar to Mendeleev periodic table, जो Mendeleev की periodic table होती है atoms की, उसी से similar होती है। ये जो hadrons हैं 100 से भी ज़्यादा है। Consider a system of coordinates, एक system लिया गया coordinates का, जिनमें x axis represent करेगी कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन आई थ्री जो आप बनाते हो, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी हाइपर चार्ज, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन आई थ्री की वैल्यू -I2+I, ठीक है, -I2+I होती, और हाइपर चार्ज वाई से दिखाया B+S होता है, B वही बेरियन नंबर है, S स्ट्रेंजनेस, बी आपका बेरियन नंबर है और एस आपकी स्ट्रेंज
ऐसा आपकी स्टेट। SU3 is a special group of 3x3 unitary matrices 3x3 unitary matrices एक ड्रा किया गया है हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा कर रहे हैं फॉर के मेजॉन वी टेकन के मेजॉन और भी लिया जा सकता है एक कोई ले ले रहे कहां तक करेंगे वी टेकन के मेजॉन हमने ले लिया के मेजॉन के मेजॉन के लिए के मेजॉन के नॉट और के प्लस है तो यूनिटरी हो गया एड डबलेट हो गया तो 2i+1=2 2i+1=2 तो 2i=1 i की वैल्यू आई 1/2 आई की वैल्यू आई 1/2 आई की वैल्यू आई 1/2 इससे i3 आ गया -i+i तो i3 की वैल्यू है -1/2 ठीक है 2+1/2 हाइपर चार्ज वाई का मान हाइपर चार्ज वाई का मान वाई का मान B+S इनके लिए बेरियॉन नंबर ऑल बेरियॉन्स के लिए 1 होती है एंटी बेरियॉन्स के लिए -1 होती है और अदर बेरियॉन्स के लिए 0 बेरियॉन नंबर B=0 ठीक है B=0 ये स्ट्रेंजनेस दिखाते हैं मेन स्ट्रेंजनेस इसका
स्ट्रेंजनेस इनकी, एस का मान प्लस हो तो वाई की वैल्यू जीरो प्लस हो, वाई की वैल्यू हो गई वन। अब जब ड्रा करोगे तो ये ऐसे ड्रा करो, इधर ले लिया एक्स एक्सिस पर ले लिया आपने आई थ्री, वाई एक्सिस पर ले लिया हाई चार्ज, और हाइपर चार्ज है आपका प्लस वन, ठीक है, हाइपर चार्ज है प्लस वन। आई थ्री की वैल्यू लीजिए माइनस वन बाई टू, जीरो प्लस वन बाई टू, ये आपका के नॉट की पोजीशन है कि आपका हाइपर चार्ज होता है प्लस वन और आपका आई थ्री की वैल्यू है माइनस वन, राइट, ठीक है। फिर आप आ जाइए के प्लस के लिए, ये है आपका के प्लस, ठीक है। ऐसे ही पाई मेजोन के लिए, आपका ईटा मेजोन के लिए, कई लोगों का हम ड्रा कर सकते हैं। इसमें के नॉट जो होता है, ठीक है, उसके लिए आई थ्री की वैल्यू माइनस वन बाई टू और हाइपर चार्ज की वैल्यू प्लस वन, के प्लस के लिए आई थ्री की वैल्यू प्लस वन बाई टू है और वाई की वैल्यू है प्लस वन, ये है आपका। अब आइए जेलमैन ओकोबो मास फार्मूला, बस इसमें इतना ही पढ़ाएंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, एक छोटा सा फार्मूला और बता दें, ख़त्म नहीं, अभी वो बीटा डिके और अल्फा और बीटा डिके लिखवाना है बस, तब ख़त्म हो जाएगा, इस वीक ख़त्म हो जाएगा। जेलमैन मास फार्मूला, ये अभी नया फार्मूला नए वाले सिलेबस में है, ठीक है। जेलमैन ओकोबो मास फार्मूला, चाइनीज साइंटिस्ट है इसलिए, द जेलमैन ओकोबो मास फार्मूला, बोलो बोलो, जो के केयॉन्स होते हैं वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स वो होते हैं जो शॉर्ट मतलब स्ट्रांग इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं और वीक इंटरेक्शन से डिके होते हैं, तो वो इनके साथ होता है जो के नॉट होते हैं, तो उनकी स्ट्रेंजनेस वन आती है। अब जिनके साथ नहीं होता उनकी स्ट्रेंजनेस जीरो,
मतलब जिनमें होगा तो वन, जिनमें स्ट्रेंजनेस है तो उनके लिए लोगे वन, ठीक है, और उल्टा हो जाए तो माइनस वन ले लोगे। कोई पार्टिकल ऐसा हो, एलिमेंट्री पार्टिकल, जो क्या हो, वीक इंट्रैक्शन से प्रोड्यूस हो और स्ट्रांग इंट्रैक्शन से डिके हो, तो वो माइनस वन ले लो। भाई स्ट्रेंजनेस क्या है कि वो पार्टिकल जिनका बिहेवियर वेरिएट करता है, जो स्ट्रांग इंट्रैक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, वीक इंट्रैक्शन से डिके होते हैं, याद कर लेना। तो ये जो केयॉन्स हैं ये स्ट्रांग इंट्रैक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, वीक इंट्रैक्शन से डिके होते हैं, तो इनका स्ट्रेंजनेस वन लिया गया। अब जो उल्टा हो जाए, जो वीक इंट्रैक्शन से प्रोड्यूस हो, ठीक है, स्ट्रांग इंट्रैक्शन से डिके हो, उनके लिए माइनस वन, और जिसमें ये प्रॉपर्टी ना हो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब जैसे बेरियॉन नंबर है, बेरियॉन नंबर जो है सिर्फ बेरियॉन्स के लिए होती है, जो बेरियॉन्स हैं, तो आपने बेरियॉन्स कौन से पढ़े, न्यूक्लियॉन्स हैं बेरियॉन में और हाइपरॉन्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए बेरियॉन नंबर आपकी प्लस वन है, इनके एंटी पार्टिकल के लिए माइनस वन है, ठीक है, और जो अदर हैं इनकी क्लास को हटाकर वो जीरो, ठीक है, इस तरह चलता है। ये जो पार्ट था वो टिपिकल पार्ट था, तो इसीलिए पॉइंट में हमने लिखवाया। एक और पॉइंट लिख लो, एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो ब्रांच है उसमें जब टीचर आ जाता है तो एक दिमाग में बना हुआ है SU2 SU3 सिमेट्री, ठीक है, मल्टीपल भी कहते हैं SU2 SU3 मल्टीपल। भाई ऑब्वियसली 2x2 है ना, तो SU2 SU3 का एक और नाम है, लिख लीजिए SU2 मल्टीपल भी कहते हैं, उसके बगल में लिख लो, नहीं पता चला तुम समझो कुछ और है, और एक SU3 मल्टीपल, ये है बच्चों नाम। SU2 बड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन किया है, SU3 को फिर उतना डिस्क्रिप्शन नहीं करते भाई, नहीं उसका उतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो आपको मैटर ही नहीं ज़्यादा SU3 का, जितना हमने, हाँ ये कर देते हैं इसमें कि और पार्टिकल्स लेकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर वो टफ हो जाएगा। आप देखोगे इसमें बुक वुक में देखोगे हर एक में टेबल बनी है, कहाँ तक याद कर पाओगे, तो संभव नहीं है, तो हम टेबल वेबल बना के तो आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लिखा के नोट्स बना दिए। आप देखोगे बुक में देखोगे हर एक में टेबल बनी है, अब टेबल कोई ना टीचर चेक बनाता है, याद रखता है ना लेके जाता है, और ना टेबल आप याद कर पाओगे, तो वो बहुत टिपिकल वर्क हो जाएगा, ठीक है, कि हर एक चीज़ के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन, तो जितना पॉसिबल है वही जो आप याद रख सकते हो। टेबल तो नकल वाले कॉलेज वाले बच्चे बना पाएंगे, वो संभव है ही नहीं, कोई नहीं याद कर सकता ना। देखिए अब आई, तो इसो SU2 मल्टीपल और SU3 मल्टीपल, तो जो हमने इधर पढ़ाया क्वार्क मॉडल से, अभी हम इम्पॉर्टेंट लिखवा देंगे क्वार्क मॉडल से, वो तो एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, वाला पूरा पोर्शन हमें लिखा है। अब बस बचा है अल्फा डिके बीटा डिके, ठीक है, और इंटरेक्शन वाली थोड़ी थ्योरी है, न्यूक्लियॉन इंटरेक्शन का थोड़ा सा पार्ट है। देखिए जेलमैन युकोबो मास फार्मूला प्रोवाइड्स ए सम ऑफ रूल, सम ऑफ रूल फॉर मासेज ऑफ हाइड्रॉन, फॉर मासेज ऑफ हाइड्रॉन्स, मासेज ऑफ हाइड्रॉन्स,
जेलमैन ओकोबो मास फार्मूला इज फॉर्म्ड is formed in terms of isospin i and strangeness s and strangeness s. तो इसका फार्मूला है m बराबर a नॉट a वन y प्लस ए टू आई आई प्लस वन माइनस वन बाई फोर वाई स्क्वायर. वाई यहां पर हाइपर चार्ज है. वाई जो है हाइपर चार्ज. कोई बुकों में कैपिटल वाई से दिखा रहा है, कोई स्मॉल वाई से दिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वाई की वैल्यू बी प्लस एस. बी है बेरियन नंबर, एस है स्ट्रेंजनेस. बी है आपका नंबर, एस है आपकी स्ट्रेंजनेस. ए नॉट ए वन ए टू ये फ्री पैरामीटर्स. ए नॉट ए वन ए टू ये आपके फ्री पैरामीटर्स, फ्री पैरामीटर्स. ये जो आपका जेलमैन वाला जो फार्मूला था 1961 में पहली बार फॉर्मुलेट किया गया था, ठीक है. द रूल वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय मुरी जेलमैन इन 1961. ये पहली बार इन्होंने किया. फिर इस फार्मूले को अगेन 1961 by
अगेन प्रपोज्ड बाय सुसमु ओकुबू, ये नाम है, इन 1962। पहले अब सन ना लिखो कोई फर्क नहीं, 1961 में हेड्रॉन्स के मास के लिए मुरी जेलमैन ने प्रपोज किया, पहले बताया, फॉर्मुलेट किया उसको, फिर से ठीक है सुसमु ओकुबू ने 1962 में किया। नहीं, नाम उनके होते हैं आइसो स्पिन, हाँ, अरे वो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, ओकुबो याद रहे चलता है, वो कोई विशेष पॉइंट नहीं है क्योंकि फार्मूला का ज़्यादा मैटर नहीं था, तो इसलिए पॉइंट लिख दिया कि ये पहले इन्होंने फॉर्मुलेट किया। फिर उसमें देखिए आइसो स्पिन, स्पिन एंड हाइपर चार्ज, चार्ज आइसो स्पिन एंड हाइपर चार्ज आर जनरेटेड बाय SU3, आर जनरेटेड बाय SU3। Which can be represented which can be represented by 8 Hermitian एंड ट्रेसलेस मैट्रिसेस ये ट्रेसलेस मैट्रिसेस बनाते हैं। सिक्स ऑफ द मैट्रिसेस, सिक्स ऑफ द एट बन रही ना, सिक्स ऑफ द मैट्रिसेस, जो सिक्स मैट्रिसेस है मैट्रिसेस correspond to flavor change, उनका फ्लेवर चेंज होता रहता, चेंज, एंड द फाइनल टू correspond, आठ है ना टोटल, एंड फाइनल टू correspond to I3 and hypercharge, ये दो hypercharge के ये है आपका, ठीक है। अब आपको हम नेक्स्ट टर्न पर एक टॉपिक जरूर आता है,
अल्फा एंड बीटा डिके पाएंगे आप, ठीक है। अल्फा नहीं, बीटा जो इम्पोर्टेंट है, अल्फा का पार्ट नहीं है, बीटा डिके है। न्यूक्लियर डिके में बीटा डिके, अल्फा डिके नहीं है। बीटा डिके होगा, थोड़ा गामा डिके होगा, अल्फा डिके सब कम कर दिए। तो आपको नेक्स्ट टर्न पे बीटा डिके करना है। बीएससी में थोड़ा था, वो हटा दिया है इन्होंने।